जौनपुरी साहब की। मेरे करम फरमा, जब जब भी हमने सुना है मुतासिर हुए बेगर नहीं रहे हम। मगर आपसे भी गुजारिश है कि राहत इंदौरी का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले गए, एक सर बचाए वो भी शराफत में जाएगा। मगर आप ऐसा अमल ना किया कीजिएगा कि हमारे बुजुर्ग जब समाप्त करें तो आप खामोश हो जाए। नहीं, दिया जलाने का लम्हा दिया बुझाने तक, सब एक साथ थे करबल में सर कटाने तक, बस इतनी दूर में है कायनात सिमटी हुई, खुदा के घर से फकत हाशमी घराने तक। इस वक्त हाशमी घराने की गुफ्तगू कर रहे हैं रामिश जौनपुरी साहब, मेरे करम फरमा, मेरे हमनवा, मेरे रफीक, जो आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जी भर के हम हमारे बुजुर्गों को समाप्त करें। जनाब सदर मोहतरम, मोतबर शोरा व उल्मा और मौजूद सामईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम। हजरात दोस्तों, जाने का माहौल ना बनाए, रामिश जौनपुरी साहब एक अहद को हम समाप्त करने जा रहे हैं। एक मतला एक शेर से अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा चूंकि हमारे दो असाज़ा भी तशरीफ फरमा हैं, जनाब राही बस्तवी साहब और हमारे बड़े भाई जमील खैराबादी साहब, उनको आपको सुनना है। और हमारे बहुत ही करम फरमा नकीबे हिंदुस्तान जनाब गैबी जौनपुरी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, शाह खालिद शादाब नज़र बनारसी, ये हमारा छोटा भाई मेराज अरशद कमर, ये तमाम बैठे। मैं हाजिर करता हूँ सीधे सीधे एक मतला एक शेर पे। देखें गुड्डू भादो और गुड्डू फूलपुरी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, मैं पढ़ता हूँ कि दौलत पसंद लोगों ने दौलत खरीद ली, दौलत पसंद लोगों ने दौलत खरीद ली, दौलत पसंद लोगों ने दौलत खरीद ली, मैंने नबी के इश्क से जन्नत खरीद। वाह वाह वाह, रामी चौधरी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे सरप्रस्त आला को इतना नवाज दीजिए कि मोहब्बतों का हक अदा जाए। दोस्तों रामिश जौनपुरी साहब खूबसूरत आवाज के मालिक माइक पर। मैंने नबी के इश्क से जन्नत खरीद, जन्नत खरीद ली। और एक शेर और कि अशकों के बदले मेरे रसूले करीम ने, क्या बात है क्या बात है, वाह वाह। अशकों के बदले मेरे रसूले करीम ने एक एक उम्मती की, एक एक उम्मती की शफात खरीद ली, एक एक उम्मती की शराफत शफात खरीद ली। और हजरत एक मतला दो शेर, इसके बाद जहमत तमाम, मैं पढ़ता हूँ आमदे रसूल, मेरा ये मतला कि आमीना के आंगन में, आमीना के आंगन में, इमरान भाई शेर देखें कि आमीना के आंगन में नूर आने वाला है, आमीना के आंगन में, आमीना के आ
नूर आने वाला है। आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में नूर आने वाला है। धरती 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 से गगन तक आज इसलिए उजाला है। धरती से गगन तक आज इसलिए उजाला है। आमीना के और एक शेर तारीफी मैं पेश करता हूँ। देवी भाई देखे शेर रखते भाई गुड्डू भाई कि मौजूदा है ये भी तो रहबर दो आलम का मौजूदा है ये भी तो मौजूदा है ये भी तो रहबर दो आलम का मौजूदा है ये भी तो मौजूदा है ये भी तो रहबर दो आलम का गारे 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 सौर के मुंह पर गारे सौर के मुंह पर मकड़ियों का जाला गारे। बहुत अच्छे मेरे बुजुर्गों की जानिब से उलमा इकराम की जानिब से बिलखुसूस नुमाइंदगी कर रहे हैं अब्दुल हमीद कासमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। रामिश जौनपुरी साहब का मेरे सरपरस्त आला का इस्तकबाल हो रहा है। अच्छे अशार पर दाद तहसीन देना यही शौरा इकराम की उजरत है। गारे सौर के मुंह पर मकड़ियों का जाला है आमीना के आंगन में। अब जरा एक शेर और मैं चाह रहा हूँ सुना दूं। यार ये माइक वाले भाई ये बड़ा इसका भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है मेरे तरह, इसको जरा सही कर दीजिए, ये गड़बड़ हो रहा है भाई। माइक वाला साहब ऊपर आ जाए, ये तमाम जो जो पुर्जे ढेले हैं उसे टाइट कर दे ताकि शौरा इकराम को दिक्कत ना हो। ये मुशारा नातिया मोहतरम इमरान अहमद साहब हिटलर की सदारत में हो रहा है। मोहम्मद आजम साहब कन्वीनर, मोहम्मद अख्तार साहब सेक्रेटरी और उसी के साथ साथ मोहम्मद असलम साहब हमारे गुड्डू भाई भादो, उसी के साथ साथ रफी भिस्टर साहब और बहुत सारे दोस्त हैं। आपका शुक्रिया उलमा इकराम का। हमारे मोहसिन आफ्ताब साहब चलकर हमारे दरमियान, मेरा भाई शेरुआ बाजार से अली भी तशरीफ लाया है जो बेहतरीन खतीब भी है। उसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो मुशायरे की जीनत है, जो नवादा से तशरीफ लाए हैं, बुडियार से लाए हैं, सुद्दीपुर है, उसी के साथ साथ त्योंगा के तमाम दोस्त अहबाब। हाजी इरफान साहब का बिलखसूस मैं शुक्रिया अदा करूंगा, अख्तर भाई का, अफनब भाई का, आदम भाई का। बहुत प्यारी महफिल रामिश जौनपुरी साहब भाई पर कि गारे सौर के मुंह पर मकड़ियों का जाला। और एक शेर और पढ़ता हूँ हजरात मुलाजा फरमा लें कि सानिए मोहम्मद क्या साया भी नहीं मिलता। सानिए मोहम्मद क्या साया भी नहीं मिलता। क्या बात, सानिए मोहम्मद क्या साया भी नहीं मिलता। सानिए मोहम्मद क्या सानिए मोहम्मद क्या साया भी नहीं मिलता। हर बशर से बाला तर हर बशर से बाला तर मेरा कमली वाला हर बशर से बाला मेरा कमली वाला है। आमीना के और एक शेर और जाते जाते मैं चाहता हूं कि पढ़ दूं कि क्या करेंगे ए रिजवान। गैबी भाई शेर देखें कि क्या करेंगे ए रिजवान
शादाब शेर कि क्या करेंगे हम बहिष्ट में जाकर, हम बहिष्ट में जाकर क्या करेंगे हम तो हो गए उसके जो बहिष्ट वाला है, बेशक बेशक हम तो हो गए उसके जो बहिष्ट वाला है, धरती से गगन तक आज इसलिए उजाला है आमीना के आंगन। जी राही चचा का हुक्म एक शेर के लिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ, लेकिन राही चचा ने हुक्म किया है तो मैं चाहता हूँ कि इस शेर पर आप भी अपनी दुआएं नवाज देंगे। मैं हाजिर करता हूँ अपनी मोहब्बत आपकी आपकी दुआएं सब कहते हैं हाजिर। हाँ जी जी, ये देखिए मैं मिस कर गया था, ये आपके फूलपुर में 2 तारीख को कुलहिंद मुशारा है शिव टाकिंग में, और उसके कन्वीनर जनाबे गुड्डू भाई हैं, तशरीफ रखते हैं। मैं जहन से गुड्डू भाई माजर चाहूंगा, मैं जहन से बात कर गया, मैं पढ़ता हूँ कि क्या करेंगे ऐ रिजवान हम बहिष्त में जाकर, हम बहिष्त में जाकर क्या करेंगे ऐ रिजवान, क्या करेंगे ऐ रिजवान हम बहिष्त में जाकर, हम बहिष्त में जाकर हम तो हो गए उसके जो बहिष्ट वाला है, हम तो हो गए उसके जो बहिष्ट वाला है। और मक्ते का शेर कि रहमते दो आलम का फैज़ है यही रामिश, फैज़ है यही रामिश रहमते दो आलम का, बज़्मे नात फानी में तू भी नाम वाला है, बज़्मे नात फानी में तू भी नाम वाला है, धरती से गगन तक आज।